जय साई राम। टीम साई पूजा के द्वारा प्रस्तुत की गई श्री साई बाबा की लघु कथाओं में मैं देविका आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम नवविधा भक्ति की कथा का श्रवण करेंगे। ओम श्री साईनाथ महाराज की जय। एक समय एक सौदागर शिरडी आया। उसके सम्मुख ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। श्री पाटड़कर इस कथा का कुछ भी अर्थ ना समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का क्या अभिप्राय है। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वह तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं नवविधा भक्ति। यथा 1 श्रवण, 2 कीर्तन, 3 नाम स्मरण, 4 पाद सेवन, 5 अर्चन, 6 वंदन, 7 तास, 8 सख्य, 9 आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्रीहरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, योग के अभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट ना हो बिल्कुल शुष्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोजकर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, तब कहीं हमें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। ओम साईराम, जय साईराम।